राजस्थान के अजमेर जिले की अरावली घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव पुष्कर, जहां रहते हैं रेत के जादूगर अजय रावत, जो रेतीली धोरों में सैंड आर्ट बनाने में माहिर हैं। मेरा नाम अजय रावत है, मैं सैंड आर्टिस्ट हूं। मुझे बचपन में मिट्टी से खेलने का बहुत शौक था और इसी खेल खेल में मैंने सैंड आर्ट शुरू किया और इसको ही मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। क्रिकेट के प्रति अजय रावत के गहरे लगाव ने उन्हें संजू सैमसन के रजवाड़ों को उनके अपने अनोखे अंदाज में सपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया। मेरे मन में अचानक एक आइडिया आया कि क्यों न मैं अपनी कला के जरिए ही हमारी टीम और हमारी टीम कैप्टन को उत्साहवर्धन करने के लिए मेरी आर्ट के जरिए उन्हें सपोर्ट करूं और उन्हें विश करूं। अपने हुनर से दुनिया भर में पहचान बना चुके अजय रावत को जितना जुनून सैंड आर्ट को लेकर है, उनकी उतनी ही बड़ी दीवानगी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के लिए भी है। जो कैप्टन है संजू सैमसन, उनको मैं जो देखा उनके अंदर एक गजब का धैर्य है और पूरी टीम को साथ लेकर चलने का जो उनके अंदर हुनर है, वो एक वास्तविकता में अच्छे खिलाड़ी की एक पहचान होती है और इसी चीज की वजह से मैं उनका अच्छा फैन बन गया हूँ। अजय रावत राजस्थान रॉयल्स का कोई भी मैच देखना नहीं भूलते, यही वजह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जयपुर में होने वाले मैच को लेकर भी वो काफी उत्साहित हैं। लंबे समय से हम सभी को इंतजार था कि वापस IPL हमारे राजस्थान में हो, धोरों की धरा पर हो, और इस बार ये मौका आ गया है और हम सब चाहते हैं कि हम हमारे धोरों की धरा से टीम का उत्साह वर्धन करें आर्ट के जरिए किसी भी प्रकार से हो, और हम स्टेडियम में जाकर भी हमारे खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करें ताकि टीम अच्छा प्रदर्शन करे। अजय चाहते हैं पिछली बार संजू सैमसन की कप्तानी में फाइनल्स तक पहुंची रॉयल्स इस बार जीत के साथ इस सीजन को अंजाम दे और 2008 की उस खिताबी कहानी को दोहराने में कामयाब हो। मैं अजय रावत और राजस्थान का हर व्यक्ति धोरों की धरती से राजस्थान रॉयल्स और टीम कैप्टन संजू सैमसन को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इस बार हम ट्रॉफी जीतकर लाए। हल्ला बोल।